उज्जैन के पीपली नाका क्षेत्र में जीवाजीगन सिविल हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। इसके लिए प्रत्येक बुजुर्ग से 250 रुपए की फीस ली गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण में बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक बुजुर्ग से 250 रुपए की फीस ली जा रही है। गुरुवार को पीपली नाका जीवाजीगन सिविल हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई है, ताकि जीवाजीगन क्षेत्र के लोग वहीं पर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकें। उन्हें अन्य मेडिकल सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलता है कि कभी कभी हो जाता है। ये आपके कागज तो नहीं, हाँ सही बात है, इधर लोगों ने भग लिया। पर्स में भी आया हुआ है कि इसका टाइमिंग जो है शिविर का सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा, और इसमें जो 60+ के लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा, जैसे कि गाइडलाइन दे चुके हैं हमें ऊपर से। उसके अलावा जो 45 से 59 के जो लोग हैं जिनमें कि कोई बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को जो प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से जो दिया गया है कि वो ही निर्धारित प्रमाण पत्र में उनको अपने संबंधित डॉक्टर से, जिससे वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे वो लोग साइन करवा के लाएंगे कि हम इतने वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे टीकाकरण किया है।